अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत द्वारा दिन सोमवार को महात्मा विदुर की धरती पर संपन्न हुए 62वें प्रांतीय अधिवेशन में प्रांत के एवं विभाग के महत्वपूर्ण दायित्वों की घोषणा की गई। तत्पश्चात प्रथम बार हिंदू महाविद्यालय में पहुंचने पर सभी नवीन दायित्ववान कार्यकर्ताओं का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार नारेबाजी करते हुए महाविद्यालय परिसर में स्वागत किया गया। महानगर मंत्री सरल शर्मा द्वारा बताया गया कि मुरादाबाद से प्रांत सहमंत्री सचिन सिंह को पुनः प्रांत सहमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रांत उपाध्यक्ष मीनू मेहरोत्रा जी को पुनः प्रांत उपाध्यक्ष तथा आर्यन प्रताप सिंह को विभाग संयोजक मुरादाबाद विभाग बनाया गया है। इसी के साथ साथ मनोज प्रताप सिंह, छविनाथ अरोड़ा एवं शुभी भटनागर को प्रांत कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया। इस अवसर पर महानगर सहमंत्री ऋतिक चौहान, अमन शर्मा, मीडिया संयोजक अमन पंडित, आलोक यादव, विकास मंत्री तुषार ढाका, अखिल सिद्धू, प्रशांत चौधरी, अमित कुमार, निशांत सारस्वत, विशाल ठाकुर, अभिषेक चौहान, गर्व रस्तोगी, तुषार शर्मा, मनोहर सैनी, पंकज, गौरव क्षत्रिय, शिवा शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, तुषार कुमार, तुषार दिवाकर, कपिल सैनी, आकाश सैनी, यश गुप्ता आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, देश श्रेष्ठ जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने स्वागत का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है हिंदू महाविद्यालय। अब आपका क्या दायित्व रहेगा अब और आगे? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्र निर्माण में और विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के द्वारा संचालित एक सबसे बड़ा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो विद्यार्थियों के जितनी भी समस्याएँ होंगी उनके समाधान की ओर हमारा कार्य रहेगा और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हम पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे। जो संगठन द्वारा जो 62वें प्रांत के अधिवेशन में जो मुझे दोबारा पुनः प्रदेश सहमंत्री बनाया है उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि मैम ने बताया कि हमारा कार्य जो है विद्यार्थियों के हित में रहेगा, जो उन्हें किसी भी हमारा जो उद्देश्य है सही करेंगे, तीन काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, उसी को निरंतर हम कार्य को आगे बढ़ाते हुए किसी भी छात्र छात्राओं को समस्या का सामना न करना पड़े उसके लिए हम हर किसी कॉलेज कैंपस में अधिक से अधिक संख्या में रहेंगे।